तो इस क्वेश्चन में हमें यूलर्स लिमिटिंग वैल्यू स्लेंडरनेस रेशियो की जो है कैलकुलेट करनी है, और इसके ऊपर जो है लॉन्ग कॉलम वैलिड नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो यहाँ पे क्या है, ई हमें दिया है ई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, और सिग्मा सी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हमें यहाँ पे दिया है। तो और हमें लैम्डा लिमिटिंग फाइंड करना है, जो कि हमें यूलर्स लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग कॉलम के लिए यूलर्स का फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो शब्द है यूलर्स, तो इसको गूगल कर लेना, क्योंकि मुझे भी इसे प्रॉपरली प्रोनाउंस करना नहीं आता। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, पीई इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू आई मिनिमम, तो यहाँ पे आई मिनिमम है, डिवाइड बाय एल ई ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि के जो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज है, लेकिन के का फॉर्मूला आता है इन रूट आई अपॉन ए। तो अगर हमें रूट कैंसिल करना है, तो दोनों साइड के ऊपर अगर हम स्क्वायर डाल दे, यहाँ पे भी स्क्वायर डाल दे और यहाँ पे भी साइड पे भी स्क्वायर डाल दे, तो इसका रूट कैंसिल हो जाता है और इसका रूट और स्क्वायर दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, के स्क्वायर इक्वल टू आई अपॉन ए, यानी आई का फॉर्मूला क्या होगा, ए के स्क्वायर। इसको अगर अच्छे से याद रखना है तो याद रखना कि आई इक्वल टू ए के 47, जो कि पबजी में से आई होप अभी इसका नाम चेंज हो गया, लेकिन खैर वो जो बंदूक थी उससे इसे रिलेट कर सकते हो, आई इक्वल टू ए के स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा पी का फॉर्मूला आ गया, अभी चेंज होके क्या बना, पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू आई की जगह पे, आई मिनिमम की जगह पे हमने क्या डाल दिया, ए के स्क्वायर, ए इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाय एल ई स्क्वायर, एल ई ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन क्या है कि पी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा यानी कि स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन ए। तो हमें यहाँ पे पी तो है, पी यानी कि लोड तो है यहाँ पे पीई, और ए भी है यहाँ पे, ए यानी एरिया। तो अगर हम पी यहाँ पे ए यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी अपॉन ए इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू ई, और यहाँ पे के स्क्वायर यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर ये नीचे जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड बाय एल ई डिवाइड बाय के ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे पी अपॉन ए हमें क्या बन जाता है, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है, जो कि 320 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सिग्मा सी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय एली अपॉन के ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लैम्ब्रा। तो लैम्ब्रा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो लैम्ब्रा है इसे लैम्ब्रा कहते हैं इस सिंबल को, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन के ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंस एली को भी स्क्वायर है और के को भी स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बाय डिवाइड बाय के स्क्वायर, या फिर दोनों को हम ब्रैकेट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दोनों को अगर हमने ब्रैकेट स्क्वायर लिखा तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, लैम्डा, लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा लिमिटिंग यहाँ पे, तो ये यूलर्स लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी स्लेंडरनेस रेशियो की। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम लैम्डा यहाँ पे अगर डिवाइड कर रहा है नीचे, तो ये इस वाले साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें क्या करना है, सिग्मा सी और लैम्डा की बस पोजीशन स्विच कर देनी है। तो हमें ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय सिग्मा सी। तो अगर हमें लैम्डा हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हमें इसे क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हम इसे क्या कर सकते, दोनों साइड के ऊपर हम यहाँ पे रूट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रूट अप्लाई करेंगे लैम्डा के ऊपर, तो स्क्वायर और रूट दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, और ये पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय सिग्मा सी ये क्या बचेगा, सिर्फ रूट में ही बचेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन लैम्ब्रा इक्वल टू पाई स्क्वायर सॉरी इन रूट पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय सिग्मा सी। तो यहाँ पे हमें ई की वैल्यू और सिग्मा सी की वैल्यू पता है, वो हमें यहाँ पे दिया है, ई क्या है, 2 × 10⁵ MPa। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 × 10⁵, सिग्मा सी की वैल्यू हमें पता है 320 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो हमने वो भी लिख दी 320। तो इसे अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, बस इसे कैलकुलेटर में डालना है।
और हाँ यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया है, ऐसा नहीं चलेगा कि डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दिया एग्जाम हॉल में, एग्जाम में और मार्क्स मिल गए, ऐसा नहीं होता। ये जो पूरी की पूरी स्टेप्स है यहाँ पे, ये सारी के सारी करना कंपलसरी है। तो चाहो तो इसे रट लो तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सभी केसेस में बस चेंज क्या होगा, अगर यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो ई की वैल्यू और सिग्मा सी की वैल्यू चेंज हो सकती है, जो कि सिर्फ ये फाइनल जो आएगा यहाँ पे पाई स्क्वेरी ई की वैल्यू और सिग्मा सी की वैल्यू डालने का, ये वाला जो स्टेप रहेगा सिर्फ यही डिफरेंट रहेगा। इसके ऊपर का ये जो भी है यहां से लेके यहाँ तक का, ये सेम टू सेम ही रहने वाला है। तो अगर एक बार ये अगर समझ में ना आए, तो इतनी स्टेप्स जो है यहां से लेके यहाँ तक की ये रट लेना, क्योंकि एग्जाम में आए तो अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे कैसे डालेंगे, रूट डबल ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट में हम पाई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, तो पाई स्क्वायर इंटू 2 × 10 रेस टू द पावर 5 ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में आ गया, डिवाइडेड बाय दूसरा ब्रैकेट, कौन से वाली इक्वेशन के लिए, डिवाइडेड बाय 320 ब्रैकेट कंप्लीट, और ये पूरा इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। एंटर करेंगे तो यहाँ पे ESD दबाएंगे, आंसर क्या था 78 पॉइंट, लगभग इसे अगर राउंड अप करोगे तो 78.54 आएगा, अगर इसे 53 को राउंड अप करके। और ये अगर हमें कॉलम सेफ चाहिए तो इसकी वैल्यू लैम्बडा से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि 10 यूलर लिमिटी वैल्यू इज 78.54, इफ इट इज लेस देन 78.54 यूलर फॉर्मूला फॉर लॉन्ग कॉलम इज नॉट वैलिड। तो ये वाला स्टेटमेंट हमें यहाँ पे एंड में लिख देना है। तो ये यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू हमारी आए तो हमें सेम स्टेटमेंट ही यहाँ पे लिखना है, ये वाला जो यहाँ पे आया है। और इसका मैं एक बार मतलब भी बता देता हूँ कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 10 यूलर्स लिमिटी वैल्यू इज 78.54। तो इसका मतलब कि यूलर्स लिमिटी वैल्यू यहाँ पे हमारी 78.54 आई है, और अगर ये 78.54 इफ इट इज लेस देन 78.54 यूलर्स फॉर्मूला फॉर लॉन्ग कॉलम, तो ये यूलर फॉर्मूला फॉर अगर इससे कम है तो यूलर फॉर्मूला फॉर लॉन्ग कॉलम वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला ही वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे ये जो लिखा है, और ऐसे रुपये फॉर्मूला भी लिख दिया तो इसको भी 1 मार्क्स होता है, लेकिन इसके आगे की जो भी स्टेप है यहाँ तक, इसको 1 मार्क्स है, और ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया इसको भी 1 मार्क्स है, और ये फाइनल लाइन जो लिखनी पड़ती है यहाँ पे इसको भी 1 मार्क्स है। तो ऐसे ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।